वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन। तो लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में हमने वर्ब्स के बारे में पढ़ा था। अब हम वर्ब्स को ही आगे पढ़ेंगे। तो वर्ब्स जो है वो उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। नाउ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं और इनका हम कैसे इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि वर्ब के यूसेज पे उसका टाइप या उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। अदरवाइज हम किसी भी वर्ब को ये नहीं कह सकते कि ये ट्रांजिटिव है या ये इंट्रांजिटिव है। ठीक है, फॉर ट्रांजिटिव वर्ब जैसे ही इज रीडिंग अ बुक, वो एक बुक पढ़ रहा है। अगर मैं ये बोलूं कि ही इज रीडिंग, वो पढ़ रहा है, तो भी इसका मीनिंग कंप्लीट होता है ना। समझ में आता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि वो पढ़ रहा है। ठीक है, क्या पढ़ रहा है भी हम उस पर स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं। तो ही इज रीडिंग, फिर हम बोलते हैं कि ही इज रीडिंग अ बुक। ठीक है, वो एक बुक पढ़ रहा है। और ही इज रीडिंग अ स्टोरी बुक, वी स्पेसिफाई इट, ही इज रीडिंग अ स्टोरी बुक। सो अब यहां पर क्या हुआ कि ही इज अ सब्जेक्ट, इज रीडिंग वर्ब, एंड अ स्टोरी बुक इज ऑब्जेक्ट। सो ये ध्यान देना, when a verb requires an object to clear the meaning of the sentence, जब एक वर्ब को अपना मीनिंग पूरा करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। दैट वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द मीनिंग, टू क्लियर द मीनिंग, टू कन्वे द मीनिंग इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। बहुत सिंपल है। अगर किसी भी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो उसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ठीक है, द वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट, या उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और उसका मीनिंग क्लियर है, हमें समझ में आ रहा है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे ही इज स्लीपिंग, वो सो रहा है ना, शी इज स्लीपिंग, वो सो रही है, शी स्लीप्स, वो सोती है, शी स्लीप्स एट 7 PM एवरी डे, वो 7 बजे सोती है। तो 7 बजे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो एक रूटीन है, या वो सो रहा है, वो एक सिंपल एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं, हम एक एक्शन बता रहे हैं कि वो क्या कर रहा है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है। सो व्हेन देयर इज नो ऑब्जेक्ट आफ्टर ए सब्जेक्ट और अ वर्ब डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू क्लियर द मीनिंग, इट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनको एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है मीनिंग को क्लियर करने के लिए, और इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए। जैसे एग्जांपल दिया, ही किल्ड, तो मीनिंग पूरा नहीं है, उसने कुछ मार दिया। जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि उसने क्या मारा, तो हमें उसका मीनिंग, उस सेंटेंस का मीनिंग पूरा नहीं होगा। तो हमने क्या किया, ही किल्ड ए लॉयन, ही किल्ड अ स्नेक, ही किल्ड अ स्पाइडर, ही किल्ड अ कॉकरोच। तो जो भी उसने मारा, हमें वो ऑब्जेक्ट चाहिए। इस वर्ब के बाद हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। वी रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट आफ्टर किल्ड to clear the meaning of this verb here, so that is called transitive verb. तो जिस भी verb को उसके बाद एक object की requirement होती है, वो transitive verb होता है। और जिस भी verb को उसके बाद कोई object की requirement नहीं है, they play every day, वो रोज खेलते हैं, that's all, कुछ भी खेलते हैं, पर वो खेलते हैं, क्या खेलते हैं वो हमें जरूरत नहीं है, बिकॉज दे मे चेंज देयर गेम एवरी डे,
ठीक है ना, तो ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। इज इट सिंपल एनफ? बहुत आराम से समझ में आना चाहिए कि जब किसी भी वर्ब के बाद उसको अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर उसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, नाउ ऑब्जेक्ट्स भी दो तरह के होते हैं। व्हाट आर दे? वन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वन इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, पहले एग्जाम्पल देखते हैं। आई नीड अ पेन, आई नीड अ पेन मीन्स अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं आई नीड तो सेंटेंस क्लियर नहीं है। व्हाट डू यू नीड? हाँ, क्या चाहिए तुमको? कुछ ना कुछ चाहिए, तो यहां ट्रांसलेटिव वर्ब है, है ना, हमें ये बताना पड़ेगा कि क्या चाहिए। तो आई नीड अ पेन, आई नीड सम मनी, सो मीन्स आई नीड समथिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ ट्रांसलेटिव वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बिकॉज नीड मीन्स कुछ ऑब्जेक्ट की, कुछ भी चीज की नीड है, तो जो वो नीड पूरी कर रहा है वर्ब, सॉरी वर्ड, नाउन या प्रोनाउन, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो वर्ब के साथ कनेक्ट हो रहा है, जो वर्ब के मीनिंग को पूरा कर रहा है। जैसे ही किल्ड, उसने मारा, क्या मारा वो बताना जरूरी है, उसने एक लॉयन मारा। हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अब क्या होता है वो भी समझते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। ही गेव मी अ गिफ्ट, अब यहां पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट मींस नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। तो हमें क्या देखना है कि जो वर्ब है, जो एक्शन वर्ड है, वो किससे रिलेट कर रहा है डायरेक्टली, वो किससे जुड़ रहा है डायरेक्टली। तो गेव, उसने दिया, ही गेव उसने दिया, तो क्या दिया, कुछ ऑब्जेक्ट दिया होगा ना, तो क्या दिया, ही गेव अ गिफ्ट, ही गेव अ गिफ्ट। हम मी को यहां थोड़ी देर के लिए हटा दे, सपोज ही गेव अ गिफ्ट, उसने एक गिफ्ट दिया। ठीक है, तो गिफ्ट जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि वो उसके मीनिंग के साथ डायरेक्टली जुड़ रहा है। तो मी क्या है यहां पर, अब गिफ्ट किसको दिया, उसने एक गिफ्ट दिया, किसको दिया, टू मी, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर सपोज हम यहां से, अब कैसे पता चलेगा कि ये डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट है, सपोज हम इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं, ही गेव मी, उसने मुझे दिया, तो क्या दिया वो चीज क्लियर नहीं हो रही है ना। तो वर्ब के अकॉर्डिंग पहला जो भी मीनिंगफुल वर्ड नाउन या प्रोनाउन है उसके साथ जो कनेक्ट हो रहा है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है ना, जैसे आई नीड अ पेन, ही गेव अ गिफ्ट टू मी, ही गेव मी अ गिफ्ट। ठीक है, तो मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने बताया कि अगर वो रिक्वायरमेंट वर्ब की पहले शो नहीं कर रहा है, उसकी उसकी इंफॉर्मेशन पूरी नहीं कर रहा है, जरूरत पूरी नहीं कर रहा है, ही गेव अ गिफ्ट, उसने गिफ्ट दिया। फिर भी मैं एक और थोड़ा सा बताता हूँ कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो ये बताते हैं कि टू हूम, फॉर हूम, फॉर हूम एक्शन इज डन, कि वो एक्शन किसके लिए हुआ, किसके लिए या किसको। तो गेव मी, मुझे उसने एक गिफ्ट दिया, ही गेव मी अ गिफ्ट, तो किसके लिए हुआ, मेरे लिए हुआ, है ना, फॉर हूम, टू हूम, तो किसको गिफ्ट दिया, मुझे, है ना। एक और एग्जांपल देता हूं, ही ब्रॉट ए गिफ्ट फॉर हिज मदर, किसके लिए गिफ्ट लाया, मदर के लिए गिफ्ट लाया, तो फॉर हूम और टू हूम जो ये शो करता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो दो तरीके से समझ लेते हैं कि वर्ब की जो रिक्वायरमेंट है, किल्ड, किल्ड मींस मारना, कुछ मारा, किसको मारा, लॉयन को मारा। अब अगर हम इसमें ये जोड़ दें कि किससे मारा, ही किल्ड ए लॉयन
विद ए नाइफ, उसने नाइफ से मारा, एक चाकू से एक शेर को मार दिया, तो किल्ड अ नाइफ नहीं होगा, किल्ड अ लॉयन विद अ नाइफ, तो नाइफ जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा बाद में, ठीक है। सो ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स जिनको, उन वर्ब्स को जिनको एक ऑब्जेक्ट चाहिए मीनिंग को पूरा करने के लिए, किल ए लॉयन। इंट्रांजिटिव वर्ब्स, वर्ब्स क्या होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए मीनिंग को पूरा करने के लिए, मीनिंग अपने आप वर्ब से ही पूरा होता है, ही इज स्लीपिंग, दे आर प्लेइंग, आई एम, सपोज अगर मैं बोलता हूं आई एम वॉचिंग, तो क्या वॉच कर रहे हैं जब तक हम वो नहीं बताएंगे तो पूरा नहीं होगा, तो वॉचिंग फिर क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, जैसे आई एम वॉचिंग अ मूवी, ठीक है, तो वहां पर ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। देन आई टोल्ड यू अबाउट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो जब ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट दो तरह के हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो ये ट्रांजिटिव केस में होता है। सो आई होप कि यहां पर हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वर्ब्स क्या होते हैं, वर्ब्स एक्शन वर्ड्स होते हैं, एग्जिस्टेंस शो करते हैं, कुछ बीइंग कुछ होना बताते हैं, देन वर्ब्स को हम डिवाइड करते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब में तो ऑब्जेक्ट होता नहीं है, ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है, तो जब ऑब्जेक्ट होता है तो वो भी दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो जो वर्ब को डायरेक्ट कोरिलेट करता है, जो वर्ब को पूरा करता है, किल्ड, हाँ, इनवाइटेड, किसको इनवाइट किया, ही इनवाइटेड मी, ही इनवाइटेड यू, है ना, तो उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो जनरली शो करता है टू हूम, फॉर हूम, किसके लिए वो काम हुआ, है ना, किसको, किसको या किसके लिए, जैसे ही ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर हिज मदर, वो अपनी मदर के लिए गिफ्ट लाया, ठीक है, ब्रॉट, ही ब्रॉट, तो ही ब्रॉट समथिंग, कुछ लाया वो, तो क्या लाया, ए गिफ्ट, तो गिफ्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, किसके लिए लाया, मदर के लिए लाया, तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब्स के